अभी हम निकल रहे हैं गोलाघाट के लिए, क्योंकि आज है एग्जाम, इंश्योरेंस एजेंट का एग्जाम। तो ये रहा एग्जाम सेंटर, NSEIT। सो यहाँ पे अपना स्टार्टर आ चुका है, CCBC। सो आज बर्थडे पार्टी का नाम पे बर्थडे दे रहा है पार्टी। मैं दे नहीं रही हूँ, पार्टी। हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजेजी व्लॉग्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आई नो बहुत दिन हो गया व्लॉग नहीं डाला हुआ, और हमेशा मैं प्रॉमिस करता हूँ व्लॉग कंटिन्यू डालूंगा बोल के, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है लाइफ में, मतलब फैमिली प्रॉब्लम, वैसे अपना पर्सनल प्रॉब्लम, और बहुत सारा काम भी होता है, करना पड़ता है यार। एनीवे, अभी हम निकल रहे हैं गोलाघाट के लिए, क्योंकि आज है एग्जाम, इंश्योरेंस एजेंट का एग्जाम। पहले मतलब बिना एग्जाम दिए हुए आप एजेंट बन सकते थे, बट आजकल एग्जाम देना पड़ता है, पास करना पड़ता है, उसका बाद ही आप एजेंट बन पाओगे। तो 10:45 को एग्जाम है, बट रिपोर्टिंग टाइम 10:15 को है, तो फटाफट यहाँ से निकलते, क्योंकि ऑलरेडी 8:10 हो चुका है, और यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास होगा हमारे घर से गोलाघाट। तो ज़्यादा व्लॉग करूँगा नहीं रास्ते पे, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को सीधे गोलाघाट पे। तो गाइस पहुंच चुके हैं गोलाघाट, और ऊपर है बंधन बैंक, बंधन बैंक के पास में ही है, तो यहीं पे होने वाला हम लोग का एग्जाम। वेल कुछ खा के नहीं आया, तो हम सोच रहे हैं कि अभी टाइम भी है तो कुछ खा लेते। तो ये रहा एग्जामिन सेंटर, NSEIT, ऊपर है बंधन बैंक। तो गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, हाल के मुख खड़ी बिदे दम जाते आईटी। 2 hours later। सो गाइस फाइनल एग्जाम हो गया कंप्लीट, जैसे तैसे करके पास हो गए हम, 18 मिला मेरे को। सो ये रहा यहीं पे सेंटर। सो अभी हम बाइडो कर जाते, और वहीं पे आप लोग क्या स्कूल का नाम को दिया? DPS नवाली का डेली रोमी स्कूल। अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। ओह हो हो, बाइडो ने एकदम बड़ा कान कर दिया है। ये कौन सा फ्लावर है? फ्लावर है ना, क्या ये टूट गया है? बहुत ही लाइक अभी बाइडो को रोना आ रहा है अभी, बट कैमरा आ गया दिखा नहीं रहा है। सो गाइस दक्षता इज बैक फ्रॉम स्कूल। सो आज स्कूल में क्या क्या सीखने को मिला? और म्यूजिक। ओके, तो आज का दिन कैसा रहा? बस बढ़िया। सो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, चैनल का नाम क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास टू पे, बट इनका भी यूट्यूब चैनल है भाई। आजकल के बच्चे मतलब क्या बोलो आप लोग को। एनीवे आई एम रियली वेरी मच सॉरी गाइस, व्लॉग डाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ खुद का भी प्रॉब्लम चल रहा है और घर का भी प्रॉब्लम। बैडो ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। इधर देखो, इधर देखो बैडो। क्या बिजनेस स्टार्ट किया? तू कुछ बता दो, आइडिया दे दो। ये चिकन बड़ा होगा, बड़ा से अंडा देगा, ये मुर्गा है ना, मुर्गी है, पता नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये जो दिख रहा है आप लोग को, इसे कहते हैं इनक्यूबेटर, INCUBATOR। अंदर आपको दिखाते कुछ तरह का अंडे को रखा जाता है, और पीछे पानी है, और यहाँ पे बल्ब है, और टाइम टाइम पे ऑन ऑफ होते रहता है, कुछ तरह का मशीन जैसे कि आप देख पा रहे। सो ये एक प्रोसेस है, मतलब आर्टिफिशियली अंडे से आप बच्चा निकाल सकते हो, और ये थर्मोकोल से बनाया गया है, बट अगर आप लोग वुड का इस्तेमाल करते हो, काट का इस्तेमाल करते हो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी जो आप लोग को हमने दिखाया था, वो एक अच्छा बिजनेस हो सकता है अगर आप लोग घर में करना चाहते हो, कम पैसा में, कम इन्वेस्टमेंट में। सो मतलब आर्टिफिशियली आप अंडे से बच्चा निकाल सकते हो बिना मुर्गी के हेल्प से। सो या दोस्तों, वांट टू डू दिस बिजनेस, लाइक रिकमेंड कर सकता हो, आप लोग कर सकते हो। एनीवे बैठो, हमें जाने नहीं दे रहे, घर सोच रहे कि कैसे निकले यहाँ से, और यहाँ पे हमारे साथ दक्षिता फुकन। हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। सो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, एक बार दातू दिखाए, दातू बढ़िया बढ़िया या। और ये टेरेस का एरिया है बैठो का घर का, एवरीवेयर फ्लावर, और यहाँ पे मिस्टर एस जी स्माइल।
सो बायडो प्रोसेस पे है नर्सरी खोलने का. सो जैसे कि आप देख पा रहे नर्सरी नहीं खुलेंगे अभी. क्यों? बस अभी सजाने का. ओ, वो जो था ना अभी इनक्यूबेटर, उसका कितना खर्चा पड़ा आपको? ज्यादा नहीं पड़ा. बता दो इधर. ओनली 25 वो बनाने के लिए सिर्फ. हाँ, 2500. तो खर्चा थोड़ा बहुत है बट वो तो खराब नहीं होगा ना बाद में? नहीं होगा. तो वाला खराब होने से वाला चेंज कर सकते हैं ना, जो ये है प्लेट. जो इंक्यूबेटर के बारे में बात कर रहे थे तो वो लगभग 25,000 तक खर्चा आ सकता है. तो अगर आप बनाना चाहते हो तो कार्ड का बनाएगा, मतलब वुड का, ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे और लाइक मेरे हिसाब से गुड बिजनेस होगा. रिकमेंड सरंगे. ओप्पा सरंगे. ओप्पा सरंगे. आजकल के बच्चे देख रहे हो क्लास 2 पे, बट हमसे भी ज्यादा उनको पता है लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल के बारे में. Many hours later. रात के बज रहे अभी 9 और अभी हम लोग आए एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए. फैमिली डिनर. अपना तो यार इतना औकात नहीं है तो बड़े बड़े लोगों की ऑर्डर दे रहे हैं. अभी इस साइड है हमारे दीक्षिता दिल्ली. 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से. सो यहाँ पे अपना स्टार्टर आ चुका है CCBC. सो आज बर्थडे पार्टी का नाम पे बर्थडे दे रहा है. पार्टी मैं दे नहीं रही हूँ, पार्टी. सो खा लेते यार, ज्यादा ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करेंगे नहीं. वैसे भी लाइक लाइटिंग का थोड़ा बहुत इश्यू है यहाँ पे. अपने को इस तरह का कुछ मिल जाता है तो साथ में. अरे मैं ब्लैक की बात. सो गाइस फाइनली डिनर हो गया कंप्लीट. वेजिटेरियन हम लोगों ने खाया है. क्या क्या खाया मेरे को पता नहीं. क्या खाया? मंचूरियन और आलू दम. उसका फ्राइड राइस, उसके बाद प्लेन राइस. अपन तो प्लेन राइस. और यहाँ पे कुछ थोड़ा छोटा मोटा कांड हो गया. एनीवेज ब्लॉग को ये पहन करते हैं. एनीवेज ब्लॉग को ये पहन करते. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाले ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, शेयर करना है. चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज बाय.